स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव के बाद लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। चुनाव में इतनी कम सीटें आना, 43 सीटों के साथ एनडीए के मुख्यमंत्री बने हैं। जनता का जनादेश नीतीश कुमार को नहीं मिला। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं और इसी बीच अपनों ने भी दर्द दे दिया। एनडीए घटक दलों में बीजेपी ने नीतीश कुमार को अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक को तोड़कर बड़ा झटका दिया है और साथ ही उनको झटका अपनों के भीतर घातियों से मिला है। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी को हार के कारणों की समीक्षा व्यापक पैमाने पर करने का निर्देश दिया था। इसके लिए पार्टी के सभी पदाधिकारियों को कहा गया था कि वह जमीन पर जाकर हार के कारण को समझें। जेडीयू के विधानसभा प्रभारी लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इस समीक्षा के दौरान चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है। जनता दल यूनाइटेड से जुड़े अंदरूनी सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए केवल चिराग पासवान ही जिम्मेदार नहीं रहे। एलजेपी ने भले ही जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन कई विधानसभा सीटों से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक भीतरघात जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ी समस्या रही है। जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवार को समर्थन देने के बजाय बाकियों का साथ दिया। आंतरिक विरोध और भीतरघात जेडीयू उम्मीदवारों का एक बड़ा कारण बना। मुजफ्फरपुर जिला इकाई ने जब जिले में पार्टी की हार की समीक्षा की तो यह बात खुलकर सामने आई। चुनाव से ठीक पहले आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने वाले पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने समीक्षा बैठक के दौरान खुलकर कहा कि भीतरघात उनकी हार की वजह बना। महेश्वर प्रसाद यादव लगातार यह कहते रहे हैं कि एमएलसी दिनेश सिंह ने उनकी हार का प्लेटफॉर्म तैयार किया। दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह ने एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से उनकी हार हुई। हालांकि पार्टी ने दिनेश सिंह के ऊपर कार्रवाई तो कर दी, लेकिन एक्शन होते होते वह काफी नुकसान पहुंचा चुके थे। ऐसी ही परिस्थितियां कई विधानसभा सीटों पर आ रही है और समीक्षा के दौरान एक विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास दी जानी है। जेडी सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। तो लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जेडीयू को झटका पर झटका मिल रहा है, वह बीजेपी ने नीतीश कुमार को झटका दिया है। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है जेडीयू को किस तरह से चलाए और जेडीयू को किस तरह से आगे बढ़ाए। लेकिन एक बड़ा झटका मिला है, आप देखने वाली बात है। आज राष्ट्र परिषद की बैठक हो रही है जिसमें कि तमाम राज्यों के जेडीयू के बड़े नेता मौजूद हैं शामिल। इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है, भारत लाइव लगातार आपको दिखा रहा है और बता रहा है, अपडेट करते रहेंगे। तो इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। लगातार देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।